Hi guys, this is Shilpa Singh Rajput. Namaste guys, this is Krishnakant Singh. Welcome back to our channel Shilpa Views. So guys, कैसे हैं आप लोग? I hope आप लोग बहुत ही बड़े होंगे. तो गाइस आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने वाले हैं उस वीडियो के जो ओनर यानी कि क्रिएटर हैं, उन्होंने मुझे मेल किया था और वो चाहते थे कि मैं उनकी वीडियो पे रिएक्ट करूं. उन्होंने कहा अगर आप रिएक्ट नहीं भी करते हो बस मेरी वीडियो देखो, मैं बस यही चाहता हूं. तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम लोग रिएक्शन ही करें, क्योंकि इन्होंने कहा कि ये एक बाइकर है और मुझे थोड़ा न्यू लगा, क्योंकि अभी तक हम लोग जब से रिएक्शन हमने करना स्टार्ट किया हमने आज तक पाकिस्तान में किसी बाइकर का पे रिएक्शन नहीं किया है. तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है और प्लीज इस वीडियो को डिस्कवरिंग पाकिस्तान डबलिंग नॉर्थ टीजर 3500 किलोमीटर्स ये टाइटल है, टीजर है ये. और भी इनकी वीडियोस आने वाली है या फिर आ चुकी होगी. डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगी, आप लोग जरूर चेकआउट करना. बिना किसी देरी के पहले वीडियो स्टार्ट करते हैं फिर बातें करेंगे. 1 2 3 एंड स्टार्ट. ट्रेलर है ना बस, ये टीजर है. टीजर मैं बहुत कम ही देखता हूँ, लेकिन अभी मैंने अभी तक आई थिंक मैं फर्स्ट देख रही हूँ. ओह गॉड, एक ड्राइवर का क्या मजा आ रहा है. इतनी ब्यूटी में इतना ब्यूटीफुल रोड देखो ना, ना क्लीन रोड. 24 डेज वन डेस्टिनेशन. Coming soon, yeah. अभी इनके कितने सब्सक्राइबर, कुछ आइडिया? I don't know, I don't remember actually, but yeah, अच्छी वीडियो है. अच्छी क्या, बहुत ही अच्छी वीडियो है. ऐसे आई थिंक ऐसे वीडियोस देख कर जोश आ जाएगा देखने का कि और आगे क्या क्या हुआ है, क्योंकि बाइक ट्रिप करने में बहुत ही सारे चीज़ें होती हैं, बहुत सारी चीज़ें फेस करने को मिलती हैं. बहुत सारी डिफिकल्टीज आती हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं और 3500 किलोमीटर्स कम नहीं होते हैं. और ऐसे एरिया में इन्होंने बाइक राइड चूज़ की है जहाँ बहुत ही ज़्यादा ठंडी होती है और बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा. तो यार हम लोग मतलब यार इन्होंने खुद तुमको वीडियो रिकमेंड की थी. यस yes. तो मतलब कितना अच्छा है ना कि मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं कि यार कैमरा लेते. वैसे बहुत से मैंने हमने रिसेंटली एक वीडियो भी की थी जिसके अंदर एक और ब्लॉगर थे जो मेरे चैनल पे की थी, जिन्होंने बोला कि मैंने अपने जॉब छोड़ के ब्लॉगिंग स्टार्ट किया. तो काफ़ी लोग होते हैं ऐसा कि डेयरिंग वाले होते हैं कि कैमरा लेते हैं निकल जाते हैं, पता नहीं कि चैनल चलेगा कि नहीं चलेगा, इनकम होगी कि नहीं होगी, लेकिन फिर भी एक्सप्लोर करने निकल जाते हैं. और वो लोग हमें अपनी वीडियो रिकमेंड करते हैं और हम भी उनकी वीडियो देखते हैं, हमसे जितना हो सकता है हम उस पर रिएक्शन करते हैं, हमने कमेंट करते हैं, उसको पॉपुलर करने की कोशिश करते हैं अपने तरीके से. और हमें बहुत अच्छा लगता है जो भी लोग हमें मेल करते हैं. काफ़ी सारी हम प्रमोशनल वीडियोस भी करते हैं, लाइक कुछ लोगों की कंटेंट ऐसा होता है जिसपे हम रिएक्शन नहीं कर सकते, बट हम उनका इंट्रो वीडियो अपने वीडियो के आगे डाल देते हैं ताकि उनके चैनल को एक बूस्ट मिल जाए.
लेकिन स्टिल फिर भी शिल्पा को आज एक चैनल पे एक स्ट्राइक मिली है। और वो वीडियो कौन सी थी, तारिक जमील साहब की एक वीडियो है, मौलाना तारिक जमील साहब की। इंटरव्यू था उनका सियस्ता लोधी के साथ, और मैंने उस वीडियो में बोला भी था कि अगर वीडियो से अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो मैं उस वीडियो को डिलीट करने के लिए रेडी हूँ। एक्चुअल में सीन ऐसा था कि हम लोगों के पास उनके चैनल की परमिशन नहीं थी, लेकिन उनकी चैनल न्यू था और काफ़ी सारी डिमांड आ रही थी और काफ़ी उन ज़्यादा डिमांड थी मेरे चैनल पे उस टाइम पे। लिटरली हर दूसरा मेल इसी चीज़ के लिए आ रहा था कि शिल्पा प्लीज़ रिएक्ट करो, प्लीज़ रिएक्ट और करो, लोग इसीलिए ऐसा मेरे कहते को भी करना हैं कि पड़ा। तारिक जमील साहब की वीडियोस पे आप लोग रिएक्शन कर सकते हो, वो सोशली काम करते हैं तो उनको वैसे भी कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। और मेरे ख्याल से तारिक जमील साहब को कोई प्रॉब्लम नहीं है और उनके साइड से कोई भी इशू नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने जहाँ पे इंटरव्यू दिया था, हम लोग ने ट्राई किया कि उनका मेल हमें मिल जाए किसी तरीके से, हमें हमारा कोई कॉन्टैक्ट हो जाए, लेकिन चैनल पर कोई मेल वगैरह प्रोवाइडेड नहीं था, इसलिए हम लोग मेल नहीं गए थे। हमने वीडियो में कहा था कि अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो आप हाँ, हमें वीडियो एक ईमेल डिलीट कर करोगे तो आप देंगे। हमारी वीडियोज़ आपकी वीडियोज़ को हम अपने चैनल से हटा देंगे। लेकिन फिर वही है कि उन्होंने मेल नहीं किया और सीधा स्ट्राइक किया, लेकिन हमने उनको एक मेल भी किया है वापस से कि हमने आपकी वीडियोस वगैरह और डिलीट ना कर दी। हम और मैंने उनके चैनल से आई थिंक सिर्फ एक ही वीडियो पे रिएक्ट किया था, और उसके सिवा किसी वीडियो पे रिएक्ट नहीं किया, और मैं आगे भी नहीं करूँगी आई एम श्योर। और कोई बात नहीं, ऐसी चीज़ें होती रहती हैं, और ऐसे चीज़ों को खुद पे इफेक्ट नहीं होने देना चाहिए और काम करते रहना चाहिए, ये मेरा मानना है। और आई थिंक आप लोगों को तो ये आई वीडियो थिंक ऐसा पसंद भी आई लगता है मेरे होगी। को कि काफ़ी लोग ऐसे भी हैं जो जिनकी हेल्प हमारे थ्रू अगर कुछ होती है, अगर कुछ लोग ऐसे मानते हैं तो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत दुआ तो हम लोग इकट्ठा कर ही लेते हैं। काफ़ी लोगों की मेहनत होती है, मैंने ऐसे बहुत सारे चैनल ऐसे देखे हैं कि वो लोग अपना इतना एफर्ट, इतना टाइम, ये कोई ईजी काम नहीं है कि आप किसी अपने जेब खर्चे पर जाओ, कोई ट्रिप को कंप्लीट करो उसको एक एक, मतलब हम लोग ट्रिप पे होते हैं ना, तो हम अगर घर से मन भी बना के जाते हैं ना कि यार हम लोग ब्लॉगिंग करेंगे वहाँ जाके, तो एक टाइम पे ऐसा होता है कि छोड़ो ना यार, अब मतलब ऐसी सिचुएशन होती है, अब कौन कैमरा निकाले, लेंस लगाए, ये करे वो करे, फिर एक एक मोमेंट को एन्जॉय, मतलब जो ऐसा लगता है कि बहुत एन्जॉय किया है, लेकिन अगर जो ब्लॉग करता है ना वो बहुत सारी चीज़ों को मिस भी करता है ब्लॉगिंग के जो दौरान। व्लॉग करता है एक्चुअली में वो कुछ एंजॉयमेंट नहीं करता है, वो वीडियो शूट करें मैं कहाँ से क्या उसके दिमाग में ये चलता है शॉर्ट कर मैं कहाँ लूँ, से कहाँ शूट से ये कर करना है, लूँ। क्या करना है, कौन से एंगल से शूट लेना है, हाँ अब हमें ये करना चाहिए, बाइक को वापस से पीछे लेके जाते हैं, अरे वो वाले वहाँ से लेते हैं, वो वापस से फ्लैग लगाया अपने पीछे से, इसमें था फ्लैग बहुत लगाया, सारी ऐसे चीजें पकड़, थी, तो बहुत और डिफिकल्ट काम है ये एक तरीके से। फिर इसको ये जो आपको दिखता है कि आपको जो 10 मिनट की, 2-3 मिनट की ट्रेलर में जो दिखा है, इसको बनाने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा होगा। काफी ज्यादा उनको ये डेस्टिनेशन रीच करने में काफी टाइम लगा होगा, तो प्लीज गाइस इनको जरूर सपोर्ट तो करना, वही है डिस्क्रिप्शन कि में जो लिंक क्रिएटर होगा। होता है, जो एक क्रिएटर होता है वो क्रिएटर ही जानता है कि कितनी मेहनत होती है एक वीडियो बनाने के पीछे, कितना टाइम लगता है ना, तो बहुत कुछ होता है इसके पीछे, तो इसीलिए कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत दुआ है जो लोगों के हमारे हमको लगती है कि इसकी वजह से हम लोगों को भी इतना अच्छा ग्रोथ बहुत मिल रहा है और हम मेहनत भी इतना अच्छा की कर है रहे हैं। मैंने यहाँ तक पहुँचने के लिए, बहुत बहुत जल्दी नहीं है वैसे, 1 साल हो गया है, लेकिन फिर भी 1 साल हुआ है, और अभी मेरे 200K होने वाले हैं। 20 सितंबर को मैंने ये चैनल स्टार्ट किया था, और आई गेस मैं 20 सितंबर से पहले मेरे 200K हो जाएंगे, आई विश कि हो जाए, और मुझे बहुत खुशी होगी। बहुत मेहनत लगी है यहाँ तक पहुँचने में, ऑब्वियसली कोई भी काम हो बिना मेहनत के नहीं होता, कंटिन्यूटी चाहिए होती है, डेडिकेशन चाहिए होता है, और और डेडिकेशन भी इस लेवल का चाहिए होता है कि दोनों कंट्री के बीच में कितनी ही हालात खराब क्यों ना हो जाए, स्टिल उसके बाद भी हम लोग अपना रिएक्शन करते हैं, अपना वीडियोस बनाते हैं, और ये सिर्फ हमारा एफर्ट नहीं है, हम नहीं कह रहे सिर्फ बहुत हमारा, प्यार भी मिलता है बहुत और बहुत सारे हेट भी मिलता है, बट रिएक्शन या चैनल है ऐसे इंडिया से भी और स्टिल पाकिस्तान से भी, बहुत सारे ऐसे रिएक्शन चैनल हैं जो कि दोनों के बीच में कितने हालात ख़राब क्यों ना हो जाए, लोगों को एक तरफ से डर भी लगे कि हाँ यार हमें कुछ बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए, कुछ वीडियो बनाना चाहिए, स्टिल हम लोग अपना काम करते रहते हैं और लोग हमें अप्रिशिएट करते हैं, हमारे जो सब्सक्राइबर है वो हमें छोड़ के नहीं जाते, तो इससे हम लोगों को एक मोटिवेशन मिलता है और हमें काफ़ी अच्छा लगता है। इससे ये भी पता चलता है कि जो लोग प्यार करते हैं, मतलब जो लाइक अच्छे सपोर्टर्स होते हैं, जो हमसे प्यार करते हैं, वो हमसे हमेशा जुड़ा रहते हैं, चाहे कैसे भी सिचुएशंस हो वो हमारा साथ नहीं छोड़ते, तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। और आप लोग जो भी ये वीडियो देख रहे हो यार, सीरियसली थैंक यू सो मच मेरे साथ अभी तक जुड़े रहने के लिए, हमारे चैनल के साथ अभी तक जुड़े रहने, हमें सपोर्ट करने के लिए। हमारे एक और भी चैनल है कृष्ण न्यूज़ के नाम से, आप उसको भी ज़रूर चेकआउट करिएगा, उसमें भी काफ़ी अच्छी वीडियोज़ आती हैं, और भगवान से भगवान की कृपा से हम लोग उसमें भी 600K बहुत जल्दी हिट करने वाले हैं। और फिर मिलेंगे हम आपको ऐसे किसी वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए शिल्पा व्यूज। बाय बाय, नमस्ते।